जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तेजपाल। दोस्तों तो आज हम डंकी मूवी की एक कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अब उस कलेक्शन को लेकर लोग बाग बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं, कहीं गूगल पे जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट दिखता है, तो उन्हें पता नहीं चलता कि रियल कमाई इसकी क्या हुई है। तो चलिए मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों चलिए इस बात पर हम बात करते हैं कि इसकी फर्स्ट डे कलेक्शन डंकी का हमारा आया था 58 करोड़। 58 करोड़ में इसने ओपनिंग ली थी वन डे। तो उसका सेकेंड डे आया था इसका 45 करोड़ और थर्ड डे इसका आया था 53 करोड़। फोर्थ डे भी इसका 53 करोड़। अब फिफ्थ डे इसका फिर से हम बता दें भाई 45 करोड़, जिसने लगभग 7 करोड़ 8 करोड़ का ड्रॉप लिया था, जो कि कहीं ना कहीं नॉर्मल था। अब इसके बाद भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसका अगला दिन आता है भाई छठवा दिन आता है। इसने 27 करोड़ की कमाई की है 26 तारीख को। तो अब इसको इतना ज़्यादा ड्रॉप आया है, यहाँ पर 18 करोड़ के लगभग का ड्रॉप आया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये दर्शाता है कि मूवी में कुछ ऐसा है जो लोगों को पसंद नहीं आया, या फिर सर्दियों की वजह से लोग देखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो जाहिर सी बात है कि लोग कम देखने जाएंगे। और एक्चुअली में इसकी पूरी कमाई हो गई है 283 करोड़, यानी कि 283 करोड़। अब इसका टोटल इसका 6 डे का कलेक्शन है 256 करोड़ और ये 7 दिन का कलेक्शन है 283 करोड़। अब इसके बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई टोटल इसका जो कलेक्शन होने वाला है 283 करोड़, चूँकि इसके लिए बहुत ही ख़राब है। और इसका 7 डे यानी कि 27 तारीख का कलेक्शन कुछ इस तरह से निकल कर आता है, जिससे मैं बता दूँ इसका कि इसका जो कलेक्शन है वो है 17 करोड़। 10 करोड़ का ड्रॉप इसने फिर से लिया है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में इसने लगभग 9.5 करोड़ की कमाई की है और इसने टोटली जो है 7 डे यानी कि आज 27 तारीख के दिन इसने 17 करोड़ कुछ लाख रुपए की कमाई की है, जो कि इसको लाती है 300 करोड़ प्लस, ठीक है। तो यहाँ 300 से ऊपर तो पहुँच चुकी है। और इसकी अगर हम बात करें कि ग्रोथ इसकी कहाँ तक जाएगी, तो ऐसे ही टोटल देखते जाएं तो भाई इसका एक महीने की कमाई हम जोड़ते हैं तो लगभग 500 करोड़ तक पहुँच सकती है ये मूवी रोध होकर। पटना ये 450 और 400 के बीच में इसका एंड हो सकता है। अब ये शाहरुख खान की मूवी इतनी ज़्यादा कम क्यों हुई, क्योंकि इनकी दो फिल्में जो पुरानी थी जवान और पठान, उन्होंने 1200 1300 1100 1000 करोड़ कुछ ऐसा उन्होंने कलेक्शन किया था। तो इसमें इनकी इतना ड्रॉप क्यों आया है, इसकी वजह आप लोग खुद जानते हैं, क्योंकि ये मूवी तो अच्छी है बट आजकल की जो है उनको पसंद आती हैं सिर्फ एक्शन मूवीज़। तो भाई एक्शन मूवीज़ तो इसमें ज़्यादा है नहीं, तो नॉर्मल सी बात है इसके अपोजिट जो रिलीज हुई है सलार, उसको लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया। तो भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।